क्रिकेट के मैदान से आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। इंडिया वालों ने तो बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को बाहर कर दे, वो जानबूझकर एक मैच हारे थे। कैच भी विराट कोहली ने ड्रॉप किए और बहुत सी मिस्टेक करके जो है पाकिस्तान को बाहर करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ जब पाकिस्तान का मैच नदरलैंड के साथ आया तो पाकिस्तानी टीम ने अपना रन रेट एकदम इतना ज़्यादा कर लिया कि इंडिया को भी क्रॉस कर गया। पहले नंबर पर टॉप टीम में शुमार हुआ पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को शिकस्त तो नहीं दी, लेकिन बाकी टीमों के साथ उसने ऐसा किया जैसे करने का हक था। लेकिन जहाँ पर इंडिया मीडिया ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जो इस टाइम हलचल मची हुई है वो ये है कि वहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देगा। लेकिन उनको जो टेंशन है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंडिया वालों को सबसे बड़ी जो टेंशन लग रही है कि पाकिस्तान ने पहले भी न्यूजीलैंड को ट्राई सीरीज में शिकस्त दे दी है, जबकि अगला जो मैच है वो भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो 9 नवंबर को खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे। तो इंडिया वालों की नज़र होगी कि पाकिस्तान वो मैच हार जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड को इंडिया हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन डर इस टाइम जो लगा हुआ है इंडिया मीडिया को यही है कि उनका रद्द अमल सामने आ रहा है कि पाकिस्तान अगर जीत गया तो फाइनल भी जो है वो चाहे वो इंडिया क्यों ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी मैचेस हो, पहला मैच अगर पाकिस्तान हार जाए तो दूसरे मैच में इंडिया को पाकिस्तान टीम लाजमी शिकस्त देती है। तो इंडिया को पता है कि अगर न्यूजीलैंड जो है हार जाता है तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो उम्मीद है कि वो फाइनल तक तो पहुँच जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया तो फिर पाकिस्तान ही फाइनल लेके आएगा और बाबर आजम की कप्तानी में बहुत चर्चा हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद है, दुआ करें कि पाकिस्तान टीम जो है वो विन करे, यहाँ पर पाकिस्तान का अगला मुकाबला इंडिया के साथ आए और जो है वो इंडिया को हम शिकस्त देकर फाइनल में जो है वो बाबर आजम के साथ कप्तन आजम बने और हम यहाँ पर संतुलन पर जो है कायम हो जाए। हमारा इससे पहले वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड था वो 1992 का था, अगर आपको दोस्तों याद हो, वो इमरान खान ने जितवाया था। तो इस बार जो है बाबर आजम हो सकता है, उम्मीद है कि न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर जो है वो फाइनल तक रसाई करेंगे। लेकिन फ़ाइनल इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान किस में कौन सी टीम जो है विन करेगी, ज़्यादा उम्मीद इंडिया की है कि इंडिया की टीम के बहुत ज़्यादा चांसेस है फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अगर इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा और दोनों का मुकाबला बहुत टफ आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, इंडिया में ये बहुत सी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड जो है वो हार जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, और अगर इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपको एक बार फिर देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।